हेलो गाइस, दिस इज जीत। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सॉल्वे कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि 1927 में हेल्ड हुई थी। और उसका खास, सबसे खास बात जो वजह जो है उसकी, वो ये है कि उस समय 18th सेंचुरी के लगभग सभी टॉप मोस्ट फिजिसिस्ट वहाँ पर मौजूद थे, और 90th के भी स्टार्टिंग के सारे मौजूद थे, जैसे कि वर्न हाइजनबर्ग वगैरह, वो 90th में जन्म लिया था उन्होंने। तो सबसे शानदार बात जो इसकी ये है कि आप 18th सेंचुरी के आप जो है, आपने जो आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी होगी, वहाँ पे जितने भी फिजिसिस्ट वहाँ पर रैंडमली किसी का भी नाम लो तो वो वहाँ मौजूद होंगे। जैसे कि आप चाहे वर्नर हाइजनबर्ग ले लीजिए, या इरविन श्रोडिंगर ले लीजिए, मैक्स प्लांक, मैक्स बोन, मैडम क्यूरी, लिविंग बोल्ट्जमैन, कुछ भी ले लीजिए आप, जो आप एल्बर्ट आइंस्टीन, किसी का भी आप रैंडमली नाम लेंगे तो वो वहाँ पर मौजूद था। तो आप समझ जाइए वो कितना क्रांतिकारी कॉन्फ्रेंस हॉल होगा। और मेरी तो बिल्कुल दिली इच्छा है कि अगर कभी टाइम मशीन बनी या कभी कुछ पॉसिबल हुआ तो मैं वहाँ जा पाऊँ। बहुत ही शानदार लगे। सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ क्या बात चली थी और वहाँ का डिबेट किस बात पर, मेन डिबेट क्या थी। तो माना जाता है वहाँ पर जो मेन डिबेट थी वो नील्स बोहर और एल्बर्ट आइंस्टाइन की डिबेट थी, क्योंकि वो क्वांटम कॉन्ट्रडिक्शन कहलाता है कि नील्स बोहर और इरविन श्रोडिंगर जो है क्वांटम के सपोर्ट में थे, जबकि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो क्वांटम के अपोज में थे। और रीज़न ये था कि मान लीजिए, मानना क्या है, 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था अपने वर्क के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि क्वेश्चन उन्होंने दी थी 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एस न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू ईवी नॉट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, जबकि जो इन्वेंशन है, जो खोज वास्तव में करी गई थी, वो करी गई थी हर्ट्ज के द्वारा, और मिलिकन ने भी उसमें एक्सपेरिमेंट किया। बट जो थ्योरेटिकल डिस्कवरी है वो दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और एल्बर्ट आइंस्टाइन की डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से नॉमिनेट किया गया था, नोबेल प्राइज मिला था। इसके अलावा उनकी जो बहुत सारी खास खास खोजें हैं, जैसे कि आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ले सकते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ले सकते हैं, और इसके अलावा एक खास विचारधारा उन्होंने अपनी रखी थी, वो थी लाइट के नेचर के बारे में। लेकिन यही दिक्कत ये आ रही थी कि जो मैक्स प्लांक ने अपनी थ्योरी दी थी इसको टू एन एच न्यू, उसकी हेल्प से उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया था, पर वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि मैं लाइट को कंटिन्यूस मान के चलूँ या मैं क्वांटम लेवल पर मान के चलूँ। अगर मैं क्वांटम मानता हूँ तो क्वांटम की नींव स्टार्ट हो जाती है, और क्या क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से सभी चीज़ों को डिस्क्राइब किया जा सकता है, ये बात उनके मन में खाई जा रही थी। आपको बता दें कि 1911 में जो आपके नील्स बोहर हैं, नील्स बोहर ने अपनी पीएचडी जो है मेटल इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात मेटल का इलेक्ट्रॉन के साथ जो इंटरेक्शन है, उस पर पीएचडी करी थी। और 1912 में उन्होंने पीएचडी के एक साल बाद जो विवाह संपन्न कर लिया था अपना, विवाह मैरिज के बाद वो घूमने के लिए इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड में वहाँ उनकी मुलाकात हुई रदरफोर्ड से, जहाँ पर वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एटॉमिक मॉडल का, जो आपने पढ़ा होगा। उससे पहले थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल चलता है कि जो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन के अंदर जो पॉजिटिव रेड रेड पार्ट होता है वो जस्ट लाइक पॉजिटिव पार्ट होता है, जो जो बीज होते हैं उसके एम्बेडेड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसी थ्योरी चल रही थी उस समय पहले, उससे पहले तक। फिर जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के बेस पर ये बताया कि न्यूक्लियस सेंटर पर होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसके चारों ओर। तो ये बहुत क्रांतिकारी थ्योरी थी, और नील्स बोहर ने जब ये देखा तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो रदरफोर्ड ने बताया कि उन्हें बहुत, जब कोई थ्योरी सच में थ्योराइज करता है तो बड़ी प्रसन्नता से बताता है, जैसे कि मैंने कुछ भी इसमें खास नहीं करा फिर भी मैं इतनी खुशी से बता रहा हूँ, लेकिन वो जो खोज करते हैं वो तो बहुत ही खास होती है। तो रदरफोर्ड ने बताया कि वास्तव में जो एटम है उसका मेजर पोर्शन है, मेजर वॉल्यूम उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड रहता है और चार्ज भी, और जबकि वो 99% जो एटम है वो एम्प्टी स्पेस होता है। तो बात ये आ रही थी कि हमारा पूरा शरीर एम्प्टी स्पेस होता है, कि हम पूरी तरह से एटम से मिलकर बने हैं। तो अगर दो हाथों को अगर हम पास पास ला रहे हैं तो एक एम्प्टी से दूसरे एम्प्टी स्पेस को क्रॉस कर देना चाहिए था, या एक दूसरे में डिजोल्व हो जाना चाहिए। तो होते क्यों नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। जब दोनों हाथों को पास में लाया जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन की वजह से वो इंटरेक्ट करेंगे, रिपेल करके दूर हो जाएंगे। क्योंकि और बात रही ओपेक नेचर की, तो वो रीज़न ये है कि कोई हमारा हाथ जो है वो सिर्फ एटम से मिलकर नहीं बना होता, हाथ में वास्तव में एटम, न्यूक्लियस के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और रेडिएशन भी होते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रीजन होता है जिसकी वजह से हाथ जो है ओपेक नेचर का दिखाई देता है। तो ये सारी बातें चल रही थी, तब जब बहुत ज़्यादा रुचिकर स्थिति आ गई तो नील्स बोहर ने बड़ी जागरूकता के साथ पूछा कि और कब पब्लिश करने वाले हैं वैसे। तो नील्स, तो रदरफोर्ड ने कहा कि वास्तविकता ये है कि समस्या ये आ रही है कि जब मैं इस चीज़ को, मॉडल को आगे लेके चल रहा हूँ, तो वहाँ पर मैक्सवेल थ्योरी का जो हो रहा है एक वायोलेशन हो रहा है, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इससे न्यूक्लियस से सिंगुलैरिटी के चार्ज और रिवॉल्व करेगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चार्ज पार्टिकल जो है न्यूक्लियस के अंदर खत्म हो, अंदर चला जाएगा और एटम नष्ट हो जाएगा, और एटम नष्ट हो जाएगा तो हमारी वो सारी 99% स्पेस की डिस्कवरी खत्म हो जाती है। तो इस दुविधा को लेकर वो बहुत परेशान थे रदरफोर्ड, और कहा था कि मैं इसको पब्लिश नहीं करने वाला। तो नील्स बोहर को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, बोले यार ये तो बहुत ही क्रांतिकारी घोष थी, ऐसा नहीं किया सकता, क्योंकि आपने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल से न्यूक्लियस की को तो डिफाइन कर दिया, अब जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उसके लिए तो मैं बिल्कुल वर्क करना चाहता हूँ आपके साथ। तो उन्होंने अपना हनीमून वहाँ कैंसिल करा, और वहाँ पोस्टपोन करते हुए कहा कि तुमसे बाद मिलते हैं, पहले वर्क कर लें सर रदरफोर्ड के साथ। तब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी नील्स बोहर ने, और अपना मॉडल दिया,
मॉडल था पहले का, तो उसमें डीप मैथमेटिक्स था, बहुत सुपर ए ग्रेड मैथमेटिक्स का यूज करते हुए उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब ऐसा नहीं है कि सब जगह चक्कर लगाते हो, इलेक्ट्रॉन कुछ स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और जहां वो चक्कर लाएंगे उनकी स्टेबल ऑर्बिट रहेगी और स्टेबल ऑर्बिट में उनकी एनर्जी स्टेट भी स्टेबल रहेगी। और ये बताते उन्होंने बताया कि वास्तव, ठीक है हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि सोलर सिस्टम है हमारा, तो सोलर सिस्टम में अर्थ है, अर्थ और सन है। अगर अर्थ से कहा जाए कि अर्थ जी आप थोड़ा पास आए तो हम ला सकते हैं अर्थ को, अगर हम पास लाना चाहें तो वो नई स्टेबल ऑर्बिट में आएगा और चक्कर लगाना शुरू कर देगा, जहां उसकी वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम ऐसे चेंज रहेंगे ताकि कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो, क्योंकि उसे दोनों स्पेस में लाया जा सकता है। ये तो रही बात ग्रेविटी की, लेकिन न्यूक्लियस और एटॉमिक लेवल में ऐसा नहीं होता। जैसे कि नील्स बोर ने यह बताया कि अगर के एलिमेंट सेल है तो के सेल का इलेक्ट्रॉन और एल सेल का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इस तरीके से, न्यूक्लियस के सेल एल सेल, तो के सेल इलेक्ट्रॉन एल सेल इलेक्ट्रॉन के पाथ के बीच में जो स्पेस है वहां कुछ नहीं होता और ना ही कभी कुछ आ सकता है। ये खास बात उन्होंने बताई थी, उन्होंने बताया कि कभी भी के सेल और एल सेल के बीच में एक एम्प्टी स्पेस ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित ऑर्बिट में ही चक्कर लगा सकते हैं, और अगर कभी के सेल इलेक्ट्रॉन को एल सेल में जाना है तो वहां एक क्वांटम जंप लगेगी जो कि इलेक्ट्रॉन के रेडिएशन की क्वांटम नेचर को शो करता है। और वहां से उन्होंने अपनी डिस्कवरी दी लाइट की क्वांटम नेचर कैसे सही है और कैसे क्वांटम मैकेनिक्स पूरे ही बिल्डिंग ब्लॉक है पूरी फिजिक्स का, और कैसे समझा सकते हो पूरी फिजिक्स को, ये बात उन्होंने रखी। बात आ रहा था उसी समय जो है वर्नर हाइजेनबर्ग एक तब वर्क कर रहे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल सपोर्ट करा नील्स बोहर को। एक्चुअली ऐसा हो रहा था जब क्वांटम नेचर के ऊपर नील्स बोहर ने अपने वर्किंग बताई लोगों को तो काफ़ी सारे फिजिसिस्ट जो है वो सहमत नहीं हुए, पर वर्नर हाइजेनबर्ग जो सहमत हुए। होता ऐसा है कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं थ्योरेटिकल तो हमें उसे क्या पब्लिश करना पड़ता है, पब्लिश करने के बाद जो है लोग अपने उस पर रिव्यू देते हैं, अपवोट डाउनवोट देते हैं कि हमें समझ में आ रही है, हम मानते हैं ये बात सत्य है गलत है, उस सारे समर्थन के बाद जो सपोर्ट में होते हैं उसको वर्क को लेकर आगे चलते हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग जो थे उस वर्क को लेकर आगे चलते थे, उन्होंने डीप मैथमेटिक्स उसके साथ और जोड़ दिया और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के द्वारा हाइजेनबर्ग पिक्चर, हाइजेनबर्ग बोहर पिक्चर का निर्माण किया। पर दिक्कत यह आ रही थी हाइजेनबर्ग बोहर पिक्चर के साथ कि वो हाइजेनबर्ग बोहर पिक्चर जो है एक तो क्वांटम नेचर के ऊपर बेस था जो कि पहले से ही संशय के घेरे में है, और दूसरा जो है उन्होंने और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स कर दिया। इसी तरफ इसी दौरान ये चल रहा था लगभग 1926 के आसपास की बात चल रही थी, उधर जो ऑस्ट्रेलिया फिजिसिक्स वे आपका इरविन श्रोडिंगर ने आपके वेव मैकेनिक्स डेवलप कर दी थी, उन्होंने बताया पार्टिकल इज नॉट अ पार्टिकल इज जस्ट लाइक अ वेव, तो पार्टिकल पार्टिकल नहीं होता एक्चुअली वो वेव होता है, और वेव के कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम स्पेस सबको डिफाइन करते हुए उन्होंने ये इरविन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो आपने पढ़ी रखा होगा एल टू साई एल एक्स टू प्लस टू अपन एच कट उसका ई माइनस वी साई स्क्वायर टू डेवलप की और पूरी मैकेनिक्स हिला कर रखते। अब बिलीव नहीं करोगे इतनी क्रांतिकारी खोज मानी जाती है क्वांटम मैकेनिक्स को, सब लोग समर्थन में थे इरविन श्रोडिंगर के, तो इरविन श्रोडिंगर की इस खोज के समर्थन में पूरा फिजिक्स कम्युनिटी लग गया, और उधर ये बात को देखते हुए खुश तो बहुत, रीज़न ये था ना समर्थन का रीज़न ये था कि वो न्यूटोनियन था, इरविन श्रोडिंगर ने जो अपनी खोज करी है वेव मैकेनिक्स दी वो न्यूटोनियन थी, क्योंकि उसमें वेव नेचर को कंटिन्यूस माना गया था डिस्क्रीट नहीं, मतलब उसके अकॉर्डिंग रेडिएशन कंटिन्यूस होता है जो श्रोडिंगर पिक्चर के अकॉर्डिंग माना गया था, तो इसलिए सपोर्ट करते पूरे फिजिसिस्ट। लेकिन अब मैक्स जो हमारे जो वर्नर हाइजेनबर्ग थे उन्हें बड़ी दिक्कत आई, पर एक खास बात हाइजेनबर्ग के साथ ये 26 ईयर के थे जब उन्होंने ये बात कही थी, अल्लाह बताए 26 ईयर का बंदा आजकल के ज़माने में तमीज से क्या एग्जांपल दूँ कुछ, मेरे को देख लो 26 ईयर का बंदा जो है कुछ भी नहीं करता, वहाँ उन्होंने जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं नील्स बोहर को भी क्वांटम थ्योरी में, तो बड़े दिख परेशान हो गए, बोले यार अब तो सब लोग हाइजेनबर्ग को सपोर्ट कर और इरविन श्रोडिंगर की थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, अब कि मैं क्या करूं। तो वो म्यूनिक में पढ़ रहे थे अपनी कॉलेज के बाहर, उनका एक प्लेग्राउंड था वहाँ घूम रहे थे, घूमते चक्कर लगाते उनके टक्कर लगा, मतलब पैर से ठोकर लगी एक पत्थर पर, तो फिर पत्थर पर ठोकर लगे पत्थर दूर गिर गया, तो दूर गिरते हुए जब उन्होंने घूरा मतलब खोजने की कोशिश करी तो दिखाई दिया दूर, तो दोनों ने फिर मतलब हिट करा एक आइडिया कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो लाइट पहले उससे टकराती है, इंटरेक्ट करती है, फिर रिपेल होकर हमारी आंखों में आती है, फिर हमारी आंख पर इमेज बनती है, तब हम बताते हैं वो कहाँ है एक्सैक्ट, मतलब कि उसके टकराने से लाइट के यहाँ तक आने के दौरान अगर वो पत्थर वहाँ से हटना चाहे तो हट सकता है। तब उन्होंने कंसेप्ट कहा कि इसका मतलब हम जब तक पोजीशन को डिफाइन करते तो मोमेंटम की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को मैं बता नहीं सकता किस डायरेक्शन में कितना होगा, तो यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी का रोल प्ले होता है, और उन्होंने कहा कि इसका मतलब अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में पोजीशन के रिस्पेक्ट में, अगर हम पोजीशन को एक एग्जैक्ट तरीके से बता सकते हैं तो मोमेंटम को नहीं बता सकते हैं, मोमेंटम को बता सकते हैं तो एग्जैक्ट तरीके से पोजीशन को नहीं बता सकते, तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर चला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सामने आया, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी ग्रेटर दैन एच अपॉन 2 पाई, इसको बेसिक मानते हुए उन्होंने क्वांटम मैकेनिक के अंदर इसको इन्वॉल्व करा दिया, और वहां से स्टार्ट होती है। उन्होंने बेसिकली ये बताया ये पार्टिकल है, हम इस पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं बता सकते, मान लो मैं कह रहा हूँ यहाँ पोजीशन है, अगले बार देखा तो यहाँ नहीं, यहाँ पोजीशन बताया मोमेंटम,
तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम जब इसको बता नहीं सकते कहा है, तो हम इसका प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि यहाँ 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 इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, अगर पार्टिकल यहाँ 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 प्रोबेबिलिटी ऐसे। तो जब उन्होंने प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया तो वो प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन वर्नर हाइजेनबर्ग द्वारा दिया गया ठीक ऐसा था, जैसे कि अगर हम अगर आप स्टैंडिंग वेव ले लें किसकी, इरविन श्रोडिंगर की, तो जैसे कि जो कि कुछ इस टाइप की होगी, कुछ समथिंग ऐसे कर लीजिए आप, और इसको इससे इससे जो है इंटरसेक्ट, हाँ ऐसे ऐसे ही समथिंग लाइक इस टाइप की, तो इसके बीच में प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया और बताया कि मैच कर रहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उन्होंने कहा इसका मतलब किया है कि अगर हम हाइजेनबर्ग जो हमारा हाइजेनबर्ग पिक्चर उसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मिक्स कर दें तो कहीं ना कहीं कोलैबोरेट कर सकता है श्रोडिंगर पिक्चर के साथ। तब हाइजेनबर्ग और बोहर पिक्चर ने श्रोडिंगर पिक्चर के साथ मिलकर एक ग्रेट कोलैबोरेशन बनाया, और तब जाके क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक नीड पूरी हुई, वहां से स्टार्ट होता है एक ग्रेट टर्न इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब बात ये चल रही थी कॉन्फ्रेंस हॉल में, जब हम पहुंचे सॉल्वे कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पे हुआ ये कि जब उन्होंने बात सामने रखी तो बहुत सारे फिजिसिस्ट तो थे समर्थन, लगभग 97% कुछ परसेंट जो समर्थन में नहीं थे वो बोलते थे यार क्वांटम मैकेनिक्स हमें तो समझ में आती, बहुत ही वियर्ड है, क्योंकि तुम कहते हो प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है, कुछ चीज़ रियल है तो रियल है, नहीं है तो नहीं है, और फिर तुम प्रोबेबिलिस्टिक कह के उसे रियलिटी से कंपेयर कर रहे हो, ये तो गलत है ना। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और मैं कहूँ कि मुझे मेरे सारे एटम्स जो हैं यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएं और दूसरे रूम में रिक्रिएट हो जाएं, ऐसा क्लासिकली पॉसिबल है? क्लासिकली के सोच ही नहीं सकते पॉसिबल ही नहीं है ऐसा लग रहा हो, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि हमें नहीं पता कि पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन वहां पर तुम्हारे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जा सकती है, ये क्वांटम मैकेनिक्स है। तो क्वांटम मैकेनिक्स की इस वियर्डनेस को देखते हुए बड़ा मूड खराब हो जाता सारे फिजिसिस्ट का, लेकिन तब भी काफ़ी लोगों को पता नहीं कैसे समझ में आ गया, लेकिन जिन्हें समझ में नहीं आया था 3-4% जो थे उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसी नाम की आवश्यकता है ही नहीं, मैं क्या परिचय दूँ उनका, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि भाई मैं तो समर्थन नहीं हूँ और मुझे इसकी वियर्डनेस समझ में नहीं आ रही कि प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कभी तुम कहते हो कि पॉसिबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन है, कभी कहते हो कि स्टेट कोलैप्स करते हैं तब जाके रिजल्ट आता है, फिर कहते हो कि रिजल्ट जो है वो रियलिटी जो है मेजरमेंट से अफेक्ट होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ही वियर्ड थी, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन इसके समर्थन में नहीं थे। बहुत दिनों तक कॉन्ट्रडिक्शन चला, फिर अल्बर्ट बीच में जो है अलग से बीच में टाइम डिले किया गया और कहा गया फिर कि आगे दोबारा कल के दिन कॉन्फ्रेंस चलेगी, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस चली थी आपकी 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था ये 1927 की बात है, ठीक है आज 29 डेट थी तो मेरे को लगा हाँ जी बोल देना चाहिए, बता देना चाहिए आप लोगों को। तो फिर उन्होंने टाइम दिया और फिर अब मजे की बात यह है कि उन्होंने नील्स बोर को ये कह दिया कि मैं आपको कल इसका एक बेहतरीन नमूना दूंगा कि कैसे आप गलत हो, इस बात को उन्होंने खुली चुनौती दी थी। सबसे बात अल्बर्ट आइंस्टाइन सबसे मजे की बात ये थी, ना पता होते हुए भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो कह देते कि कल मिल लेना, है ना कल देखते हैं, तो क्यों, क्योंकि उन्हें इतना विश्वास था कि रात में होते हैं बहुत सारे घंटे, 12 घंटे होते हैं और 12 घंटे में मैं पता नहीं क्या क्या सोच लूँगा, वो खास बात वो रात रात में इतना कुछ सोच लेते कि नया मैथमेटिक्स ही डिजाइन कर देते कि मैं ऐसे बता सकूंगा। तो रात भर में वो तो बड़े कॉन्फिडेंशियली थे, लेकिन जो नील्स बोहर थे वो बड़े चिंतित थे, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन उस जमाने में बहुत डंका बोलता था अल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो वो सोचते थे कि यार अब कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं अपनी थ्योरी को, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, इधर नील्स बोहर, वर्नर हाइजेनबर्ग, इरविन श्रोडिंगर सपोर्ट में, और बाकी फिजिसिस्ट भी थे, उधर अल्बर्ट आइंस्टाइन और कुछ फिजिसिस्ट थे जो क्वांटम के अपोज में थे, उनका मानना था क्वांटम मैकेनिक्स सब चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो रात भर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना जो थ्योरी लिखी थी रदरफोर्ड को तो बता ही रखी थी, मैडम क्यूरी, मैक्स बोर्न, इन सबको अपनी थ्योरी बताई कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आगे कॉन्फ्रेंस हॉल में गए, फिर वहाँ भी डिबेट चली, डिबेट 3 दिन तक चली, पर रिजल्ट ये आया कि लोग काफ़ी सारे विजिटर्स इसके सपोर्ट में रहे, पर अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड टाइम पर उन्होंने कह दिया कि भाई मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स सब चीज़ को बता सकती है। आर्थर होली कॉम्पटन भी वहाँ मौजूद थे, हम मानते हैं कॉम्पटन इफेक्ट का आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा, क्या मैथमेटिक्स लगाया यार उसने, बहुत शानदार। तो तब भी सपोर्ट में नहीं थे, और फिर ये 1933 में भी उनके बीच में एक डिस्कशन हुआ था, तब 1933 तक तो सभी लोग जनरल थ्योरी रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी और आपके क्वांटम मैकेनिक्स को पूरी तरह से मान चुके थे बहुत अच्छी तरह से, तब जाके उनके बीच में डिस्कशन हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मैं आपको बताऊँ दिक्कत क्या, मतलब उनका कहना यह था, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ वियर्डनेस का, क्वांटम मैकेनिक्स की वियर्डनेस का एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे हाथ ये दो बंद हैं और इनमें मैंने एक में रेड बॉल है एक में ब्लैक बॉल है और ऐसे करके मैंने इन्हें मिक्स कर दिया, जब मैंने इन्हें ऐसे करके मिक्स कर दिया तो मुझे नहीं पता कि मेरे कौन से हाथ में रेड बॉल है कौन से हाथ में ब्लैक बॉल है, तो जैसे ही मैं इसे खोलूंगा तो खोलने के बाद तो मुझे एग्जैक्ट रियल पता चल जाएगा कि कौन सी बॉल है, पर खोलने से पहले तक मैं नहीं बता सकता कि इसमें रेड बॉल है या ब्लैक बॉल है, तो अगर खोलूंगा तो ये रेड बॉल है दिख गया मुझे, लेकिन नहीं खोला तो मुझे नहीं पता।
तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि इसमें एक बॉल होगी, इसमें एक बॉल होगी, पता नहीं कौन सी होगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जब तक आप नहीं बता रहे तो इसमें दोनों होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब कि इसके अंदर जो बॉल है वो रेड बॉल और व्हाइट बॉल के वेव फंक्शन की जो होंगे वो वेव फंक्शन के सुपर पोजिशन की स्टेट होगी, मतलब दोनों बॉल हैं इसमें, कहती क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है इसमें दोनों बॉल हैं, दो बॉल इसमें, दो बॉल इसमें, चार बॉल होंगे, जबकि थी दो। तो ये वियरनेस जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को डाइजेस्ट नहीं होती, यार मैं नहीं मानना, मैं क्या बोल रहे यार, ऐसा थोड़ी होता है। एक एग्जाम्पल और आता है श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट का, आपने पढ़ा, एक बॉक्स है कांच का बॉक्स, उसके अंदर एक बिल्ली रखी, मतलब पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं, हम देख नहीं सकते, उसके अंदर बिल्ली रखी है और हमने उसके अंदर रखी रेडियक्टिव मटेरियल, और फिर रेडियक्टिव मटेरियल रखने के बाद हमने कहा कि अगर बॉक्स को बंद कर दिया जाए तो आपको बताना ये है कि रेडियक्टिव मटेरियल के चखने के बाद या उसके इंडायरेक्ट करके वो बिल्ली मर गई होगी या जिंदी हो गई होगी, जिंदी होगी डिब्बा खोलने से पहले बताना। तो हम बता नहीं सकते कि डिब्बे के अंदर वो बिल्ली मरी हुई है जिंदी है। तो श्रोडिंगर ने कहा कि जब तक आप डिब्बा नहीं खोलते तो आंसर इसका है बिल्ली मरी हुई भी है जिंदा भी। तो बड़ी सीधी सी बात है, कौन मानेगा, इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं मान, बिल्ली मरी भी है और जिंदा भी, इसका कोई अर्थ नहीं होता मेरे हिसाब से भी। अब तो खैर मान लेता हूँ मैं, क्वांटम आइंस्टीन थोड़ी बहुत समझ चुका हूँ, क्योंकि उनका मानना यह था कि जब तक डिब्बा नहीं खोलते तब तक बिल्ली मरी भी हो सकती है और जिंदी भी हो सकती है, मतलब मरी के वेव फंक्शन और जिंदी बिल्ली के वेव फंक्शन का सुपर पोजिशन स्टेट है उसके अंदर, और जैसे हम डिब्बा खोलते हैं तो सारे वेव फंक्शन आपस में कोलैप्स करके जो रियलिटी के साथ जो है आपके सामने आ जाते हैं, पेश हो जाते हैं, जो हमारा मेजरमेंट है वो रियलिटी को अफेक्ट करता है। ये बात नील्स बोहर, वर्नर हाइजेनबर्ग और इवन श्रोडिंगर ने अल्बर्ट आइंस्टीन के सामने रखी, पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा भाई मेरे बस के नहीं है, जय माता दी, अपुन आपको गलत साबित कर देगा सही ढंग आने पर। क्वांटम मैकेनिक्स पूरी तरह जो है सब चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकती, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, लास्ट टाइम तक अल्बर्ट आइंस्टीन इसके पॉज में थे कि मैं किसी ना किसी तरह, क्योंकि यार क्वांटम एंटेंगलमेंट देख लो, क्वांटम वियर्डनेस देख लो, ये बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जो बहुत ही वियर्ड लगते हैं, कि गलत हैं, पर मुझे लगता है कि मुझे डाउट लगता है किसके सपोर्ट में रहूं, बहुत टाइम देना पड़ेगा, यू नो बहुत टाइम देना पड़ेगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन की टाइम चीज़ को अगर आपको बढ़ाना है कि अपोजिशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, तो बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरह से सॉल्वे कॉन्फ्रेंस में नील्स बोहर और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट हुई, हम लोग वहाँ मौजूद नहीं थे तो नहीं सुन पाए, लेकिन ये था जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पिक्चर जब सब वो कॉन्फ्रेंस हॉल से सभी फिजिसिस्ट बाहर निकल रहे थे, एक से एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट, तो उनका इंटरव्यू लेते हुए बाहर कैमरे में उनकी जो पिक्चर्स हैं, उस समय की रेयर फोटोग्राफी, रेयर वीडियो मैं आपको इसके पीछे दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल देखिए इत्मीनान से और इन्जॉय कीजिए। और अगर आप फिजिक्स लवर हैं तो आप एक एक फिजिसिस्ट को पहचानते होंगे, पहचानिएगा, और आपके आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये रेयर वीडियो मुश्किल से देखने को मिलती है। थैंक यू। Schrödinger, who developed wave mechanics, never agreed with Bohr and quantum mechanics, nor with Werner Heisenberg's uncertainty principle. Solvay gave Heisenberg an opportunity to discuss his new theory. Here's French physicist Léon Brillouin, Hendrik Cramers, Bohr's former assistant, and Paul Dirac talking with Max Born, whose statistical interpretation of the wave function ended determinism in the atomic world. These men, Bohr, Heisenberg, Cramers, Dirac, and Born, together with Wolfgang Pauli, represent the founding fathers of quantum mechanics. On the other hand is Louis de Broglie, who wrote his dissertation on the wave nature of matter, which Schrödinger used as the basis for wave mechanics. At Solvay, Bohr refined his thoughts on complementarity and sparred with Einstein over the implications. Here he's with Paul Ehrenfest. Cramer's work in Copenhagen on dispersion theory was essential to the development of quantum mechanics. Langmuir, an American chemist at the GE lab in Schenectady, hence the camera, had recently broken his leg and appears to explain to Ehrenfest how he gets around. By 1927, Dirac in the middle had independently developed quantum mechanics and made other significant contributions, as had Wolfgang Pauli, who formulated the exclusion principle. A lively Madame Curie. Born and Pauli working out a problem. Note the changed demeanor as the participants exit from the meeting, except for the smiling William Lawrence Bragg and Peter Debye, Arthur Holly Compton, Owen Richardson, Max Born, Madame Curie, Hendrik Cramers, H.A. Lawrence, Paul Langevin, Albert Einstein, whose famous response to Born and the statistical interpretation of the wave function was, God does not play dice. Bohr, Planck, Pauli,
and Belgian soldiers. Ich trinke nicht, also ist mir das ganz gleich.